नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, भवानीपुर उपचुनाव से पहले एक बार फिर बड़ी ममता बनर्जी की मुश्किलें, क्योंकि अब एक बार फिर से बीजेपी की प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल ने ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है और ये बयान देते हुए बताया है ममता बनर्जी को कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति का खून करने वाली सरकार टीएमसी की सरकार है। तो वहीं इसके अलावा प्रियंका टिब्रेवाल ने ममता बनर्जी को खुली चुनौती भी दी है और साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा है ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए कि अगर वाकई ममता सरकार में हिम्मत है तो बाहर निकलिए और उस मां को जवाब दीजिए जिनका बेटा बंगाल हिंसा में छीन लिया गया है। जी हां, एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में लंबे समय से हो रही हिंसा के तांडव को लेकर प्रियंका टिब्रेवाल ने ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है और एक बार फिर से ममता बनर्जी को खुली चुनौती देते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि ममता बनर्जी के पास अगर हिम्मत है तो वो बाहर निकलकर सामने आए और जिस जनता को त्रस्त करने का काम ममता बनर्जी ने बंगाल में किया हुआ है उन माताओं उन बहनों को जवाब दे जिनकी कोख सुनी हो गई है, जिनकी मांग सुनी करने का काम इस संस्कृति का खून करने वाली टीएमसी की सरकार ने किया है। जी हां, दरअसल आपको बताएं कि ममता बनर्जी जिस तरीके से पिछले कई महीनों से बंगाल में हिंसा का तांडव कर रही है इसको लेकर हालांकि अब अलग अलग जगह से हिंसा के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित लोगों के एक समूह ने शनिवार को कोलकाता के हाजरा रोड पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रियंका टिब्रेवाल के साथ कई बड़े बीजेपी के नेताओं ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया है और उसी प्रदर्शन के दौरान साफ तौर पर प्रियंका टिब्रेवाल ने ममता बनर्जी को खुली चुनौती देने का काम किया और अपना बयान देते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति का खून करने वाली सरकार टीएमसी की सरकार है। पश्चिम बंगाल को छिन्न भिन्न करने वाली जो सरकार है उसका नाम टीएमसी है। मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहती हूं कि अगर वाकई आप में हिम्मत है तो आप बाहर निकलकर आइए और उस मां को जवाब दीजिए जिनका बेटा छिन लिया गया है। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल मतदान के चुनाव परिणाम के बाद से ही किस तरीके से ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक खींच निकाल रही हम सबने देखा है, किस तरीके से नंदीग्राम में हार का सामना ममता बनर्जी अब तक नहीं कर पा रही हैं, जिसका कारण राज्य के अलग अलग इलाकों में साफ तौर पर हर जगह से सामने आ रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी के इशारों पर अलग अलग जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का काम किया गया था, किस तरीके से उन्हें उनके घर से निकलवा कर उन्हें राज्य से बेदखल करने का काम ममता बनर्जी ने किया था। लेकिन अब साफ तौर पर जो प्रियंका टिब्रेवाल जो ममता बनर्जी के खिलाफ पेशे से वकील हालांकि वो रह चुकी हैं, उनके खिलाफ बंगाल हिंसा को लेकर हाईकोर्ट में अपनी आवाज बुलंद कर चुकी हैं, लेकिन अब जब साफ तौर पर बीजेपी की ओर से उन्हें भवानीपुर के मैदान में चुनावी प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है तो लगातार प्रियंका टिब्रेवाल की ओर से अब बंगाल वासियों के न्याय के लिए आवाज उठाने का काम किया जा रहा है। हालांकि जब बीजेपी की ओर से प्रियंका टिब्रेवाल का नाम चुनाव किया गया था तो उस दौरान भी प्रियंका टिब्रेवाल ने साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा था कि जो अन्याय अब तक पश्चिम बंगाल में हो रहा था, जिस तरीके से देवी देवताओं का अपमान करने का काम ममता सरकार में किया जा रहा था, अब वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगी और जिस तरीके से बंगाल में लोगों को प्रताड़ित करने का काम ममता बनर्जी की ओर से किया गया है उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगी। और इसी कड़ी में अब जब साफ तौर पर भवानीपुर का उपचुनाव नजदीक है तो ऐसे में किस तरीके से ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक सीट को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर हालांकि लगाती दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन साफ तौर पर जो अत्याचार ममता बनर्जी ने अब तक किए हुए हैं, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई बंगाल में हो रही है हम सबको पता है और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जिस तरीके से ममता के इशारों पर हिंसा का तांडव बंगाल में करकर जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उसको लेकर साफ तौर पर प्रियंका टिब्रेवाल भी अब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और इसी कड़ी में अब साफ तौर पर ममता बनर्जी को खुला चैलेंज जाने की ओपन चैलेंज देने का काम टिब्रेवाल कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब तक ममता बनर्जी के खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल अपनी आवाजों को बुलंद करती रही हैं और जिस तरीके से आपको ये भी बताते चले कि प्रियंका टिब्रेवाल की याचिका पर ही हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को जांच के आदेश दिए थे, दरअसल यही बड़ी वजह है कि भवानीपुर उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की मुश्किल
लिए बड़ी हुई हैं, क्योंकि जो ममता बनर्जी लगातार अब तक सिर्फ और सिर्फ हिंसा का तांडव मचाने में पश्चिम बंगाल में लगी हुई हैं, किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ टीएमसी का समर्थन ना करने पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार करने का काम पश्चिम बंगाल में अब तक किया जा रहा था, इसको लेकर साफ तौर पर इन तमाम प्रताड़नाओं के खिलाफ प्रियंका टिबरेवाल ने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है और ये यकीन भवानीपुर की जनता को दिलाया है कि जो अत्याचार जो जुल्म अब तक ममता बनर्जी की सरकार के इशारों पर लगातार उन तमाम मासूम लोगों के खिलाफ किया जा रहा था वो अब उसे नहीं होने देंगी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब लगातार प्रियंका टिबरेवाल डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है और किस तरीके से ममता सरकार के तानाशाह को खत्म किया जाए इसको लेकर पुरजोर कोशिश हालांकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से अपनी नंदीग्राम हार को नहीं भूल पाई है उसी तरीके से अब जब उन्हें यकीन ये हो चला है कि अब साफ तौर पर भवानीपुर में हार का सामना करने के बाद ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है तो देखिए किस तरीके से अब तक उसी जनता के साथ जल्लाद वाला व्यवहार करने वाली ममता बनर्जी अपनी भावुक अपील करती दिखाई पड़ रही है, लोगों से ये कहती हुई दिखाई पड़ रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए अगर आप मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो चाहे बारिश आ जाए चाहे तूफान आ जाए आप मुझे वोट देने जरूर आएगा। जी हाँ, और ये सिर्फ और सिर्फ दरअसल ममता बनर्जी का वो डर है जो ममता बनर्जी को उपचुनाव होने से ठीक पहले अब सताने लगा है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी जो अब तक पूरे कॉन्फिडेंस से पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रही थी अब दर दर लोगों के दरवाजों पर भटकती हुई दिखाई पड़ रही है और चुनाव प्रचार जोरों पर करती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि बंगाल हिंसा को लेकर जो एक एक सबूत साफ तौर पर कोलकाता हाईकोर्ट के सामने आए हैं उनको लेकर साफ तौर पर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जब उपचुनाव सर पर है भवानीपुर का चुनाव 30 सितंबर को होने वाला है तो ऐसे में ममता बनर्जी कभी ईडी पर सवाल खड़ी करती हुई दिखाई पड़ रही तो कभी सीबीआई को लेकर तमाम तरह की बातें वो कर रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में अब तक जिस तरीके से लगातार हिंसा का तांडव से लेकर जो खुलेआम लोकतंत्र की हत्या करने का काम ममता बनर्जी कर रही थी अब पश्चिम बंगाल की जनता के पास ये समय आ चुका है कि वो भवानीपुर की सीट पर ममता बनर्जी को करारा जवाब देने वाली है और इसी कड़ी में अब लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक अत्याचार मासूम जनता से लेकर जो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बनर्जी ने किया हुआ है इसके खिलाफ प्रियंका टिबरेवाल ने आवाज को बुलंद कर दिया है और इसीलिए ममता बनर्जी को खुली चुनौती देते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि अगर वाकई ममता बनर्जी के पास हिम्मत है तो ममता बनर्जी बाहर निकलकर सामने आइए और उस मां को जवाब देने का काम करिए जिन जिनकी कोख आपकी वजह से सूनी हो गई है जिसके बेटे की आपके टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी है। जी हाँ, दरअसल हाल ही में हमने देखा था कि कैसे एक और बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत टीएमसी के कार्यकर्ताओं की वजह से हुई है क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद किस बर्बरता के साथ उसके साथ पिटाई की गई थी और अस्पताल में लंबे समय भर्ती होने के बाद हालांकि अभी हमने आपको तमाम रिपोर्ट भी दिखाई थी कि कैसे वहां के बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी संबित पात्रा वहां पर पहुंचे हुए थे और कैसे प्रियंका टिबरेवाल से लेकर जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने भी ममता बनर्जी के घर के बाहर हालांकि प्रदर्शन उस कार्यकर्ता के शव को लेकर किया था लेकिन उस पर जवाबदेही करने की बजाय ममता बनर्जी ने उल्टा इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम किया है जो कि साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में तानाशाह की बानगी को दिखाता है। लेकिन आपको बताते चलें कि अब ममता बनर्जी के तानाशाह का समय समाप्त होने वाला है क्योंकि साफ तौर पर 30 सितंबर को जो उपचुनाव भवानीपुर सीट पर होने वाले हैं अगर उसमें ममता बनर्जी का साथ वहां की जनता नहीं देती है तो साफ तौर पर ममता बनर्जी की कुर्सी पर संवैधानिक संकट बरकरार रहेगा जिसके बाद साफ तौर पर अगर 4 नवंबर तक ममता बनर्जी विधानसभा या विधान परिषद की सदस्य अगर नहीं होती तो उन्हें अपनी कुर्सी त्यागनी पड़ेगी और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाती पड़ रही हैं। अब तक जो ममता बनर्जी पूरी बर्बरता के साथ वहां की जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रही थी किस तरीके से राजनीति खींच निकालने का काम जनता की ओर से किया जनता के साथ किया जा रहा था लेकिन अब वही ममता बनर्जी लोगों
लोगों के घर घर जाकर एक भावुक अपील कर रही हैं, जिसको लेकर साफ तौर पर टिब्रीवाल ने ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है और ये बताया है कि पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति का खून किया है वो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी की सरकार ने किया है। और अगर वाकई ममता बनर्जी में हिम्मत है तो ममता बनर्जी को सामने आकर बात करनी चाहिए और इन बेकसूरों को जवाब देने का काम करना चाहिए, जिसकी वजह से उन तमाम परिवार लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, लेकिन ममता बनर्जी उस पर जवाबदेही करने की बजाय लगातार पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, अलग अलग पैंतरे इस्तेमाल करने का काम कर रही। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर जो आगामी उपचुनाव होने वाला है उसमें प्रदेश की जनता ममता बनर्जी को करारा जवाब देगी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी लगातार एक के बाद एक झूठे आरोप बीजेपी पर लगा रही है, कभी सीबीआई, कभी ईडी, तो कभी हाईकोर्ट पर सवाल खड़े करने का काम ममता बनर्जी की ओर से भले ही किया जा रहा हो, लेकिन अब ममता बनर्जी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसीलिए ममता बनर्जी की बौखलाहट तो कभी भावुक अपील जनता के सामने आती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।